ग्राउंड डज इट हैव टू नाउ टू ग्रेस. ठीक है, एक काउ है, ठीक है, वो किससे बंधी है? रस्सी से बंधी है. ठीक है, ये कितने मीटर लॉन्ग है? 16 मीटर लॉन्ग है, इससे बंधी है. यहाँ पे काव है, ठीक है, वो जो काव है इस इतनी मीटर मतलब लंबी रस्सी से बंधी है और वो कितने एने को खा सकती है? गाइस वो जो काव है यहाँ से बंधी है अगर, तो वो सर्कल में ही घूम सकती है. इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो वो कहाँ घूम सकती है? एक सर्कल में ही तो घूम सकती है सिर्फ. ठीक है, तो ये हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं. सबसे पहले डायग्राम बनाना किसी भी चीज का, ना पहले डायग्राम बनाना, क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये काउ इतने एरिया में घूम सकती है और इतने एरिया का जो घास है वो खा सकती है. अब क्या कर दिया इन्होंने, जो काउ की रस्सी थी ना वो इंक्रीज कर दी. ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये 16 मीटर रस्सी तो इतनी रहेगी ना, तो ये सर्कल सर्कल में मूव कर सकेगी भाई, यही एरिया घूम घूम के खा सकती है, बस ये एरिया में घूम सकती है, खा सकती है. लेकिन अब क्या कर दिया, अब रस्सी बढ़ा दी, अब रस्सी इंक्रीज कर दी. कितनी इंक्रीज कर दी? 23 कर दी. दैट मीन्स 16 में 7 ऐड कर दी. ठीक है, 16 + 7 टोटल कितनी कर दी? 23 सेंटीमीटर की कर दी. तो अब वो कितने एरिया को खा सकती है? इतने एरिया को वो खा सकती है. सो आई होप छोटा सा ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ठीक है, ऊट पटांग से बनाएंगे तो देख सकते हैं, कंसेप्ट समझना है आपको बस. ठीक है, तो इससे आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आपको. अब वो इतना एरिया खा सकती है, बट आपसे क्या पूछे, हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव टू नाउ. तो आपसे क्या पूछा है, इस एरिया को, इस एरिया, इस जो ये जो है ना, इसका एरिया पूछा है कि कितना एडिशनल ग्राउंड वो नाउ खा सकती है. ठीक है, इतना तो भाई वो खा ही रही थी, लेकिन अब कितना एडिशनल खा रही है? तो ये एडिशनल खा रही है, दैट मीन्स इस पूरे के एरिया में से, इस पूरे के एरिया, इस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो तो ये आपका बचा हुआ एरिया आ जाएगा. ठीक है, सो चलिए, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एरिया इन स्टार्टिंग एरिया ग्रेज बाय द काउ. ठीक है, इन स्टार्टिंग द एरिया दैट इज ग्रेज बाय द काउ इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के. ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू कितनी है? 16 का स्क्वायर. राइट, नाउ स्टार्टिंग एरिया एंड फाइनल एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ, या फिर फाइनल एरिया लिखिए. ठीक है, इसको ए फाइनल कर दीजिए क्योंकि आप लोग को आगे दी प्रॉब्लम आएगी. तो एरिया फाइनल, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में ही समझा दिया, स्टेटमेंट से आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, ए स्टार्टिंग. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल के, या फिर हम लोग कह सकते हैं एरिया दैट इज इटन बाय द काउ इन स्टार्टिंग एंड एरिया दैट इज इटन बाय द काउ इन फाइनल. ठीक है, या एडिशनल एरिया. ठीक है, तो ये कर सकते हैं, तो एरिया इन स्टार्टिंग एंड एरिया इन फाइनल. तो पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 22/7. नाउ फाइनल में कितनी हो जाती है आपकी रेडियस? 23 कर दी, तो 23 का स्क्वायर. आपसे क्या पूछा है? एडिशनल पूछा है. ठीक है, तो एडिशनल एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एडिशनल एरिया दैट मीन्स ए फाइनल माइनस ए स्टार्टिंग. ठीक है, ये स्टार्टिंग के एरिया में से पूरे फाइनल का एरिया माइनस कर दीजिए. तो यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं. तो ए फाइनल कितना आया था? 22/7 इंटू 23 का होल स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 16 का होल स्क्वायर. सो गाइज यहाँ पे हम 22/7 कॉमन ले सकते हैं, 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर. तो स्क्वायर मैंने बहुत अच्छे से आपको टिप्स समझाए हैं स्क्वायर कैलकुलेट करने के. 23 का स्क्वायर होता है 529 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256. ठीक है, 22/7 इंटू 9 में 6 के आपका 3. ठीक है, 12 में से ये 2 है, कैसे ले लेंगे, 12 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7. 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. नाउ 7 3 = 21 63, 7 9 = 63. तो 39 के 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए. मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. 39 × 22, तो आंसर कितना आ गया? 858. दैट मीन्स 858 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये देख लीजिएगा किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे, मीटर में है तो मीटर में रखेंगे. जिसमें भी आपकी यूनिट गिवन है उसमें ही आप यूनिट रखेंगे. तो गाइस मीटर में है, सो यहाँ पे हम लोग मीटर में ही रखेंगे. दैट मीन्स आंसर किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है, तो 858 मीटर स्क्वायर वो एडिशन में क्या करेगा? ईट करेगा. राइट, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन. तो गाइस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स एडिशनल ग्राउंड दैट इज ईटन बाय द
काउ इक्वल्स टू 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ कैसे लिखना है स्टेटमेंट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एट रेडियस इक्वल्स टू 16 मीटर ए काउ कैन ग्रेज द एरिया ऑफ प्लॉट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो तब आपकी रेडियस इतनी होगी। ठीक है, एट रेडियस 23 मीटर द काउ कैन ग्रेज द एरिया ऑफ प्लॉट इज पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ गया। तो एडिशनल ग्राउंड एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 858 मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि सभी के लिए हेल्पफुल रहे। प्रिंस एजुकेशन ऐप करना को डाउनलोड करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको सभी नोट्स मिलेंगे, क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।